जो सब्जेक्ट मैटर है वो बेसिकली मींस नो, इनकार मींस नो, अपना जो हिंदी का इनकार है उसका मतलब होता है नो, राइट। चूंकि एक ये कहानी एक किडनैपिंग स्टोरी है और ऑलमोस्ट 95% ऑफ द फिल्म गाड़ी के अंदर ही है, तो कैमरा बाहर नहीं आता है। सो हमारे जैसे यूजुअली होता है, हमने बहुत टाइटल्स, कम से कम 100-150 टाइटल्स सोचे थे इसके लिए। और फिर ये टाइटल दिमाग में मैं सोच रहा था, इन द कार, ऐसा कुछ ऐसा कुछ। तो आजकल जो ट्रेंड है ना, वो थोड़ा स्पेलिंग के साथ ट्विस्ट खेलते हैं, जैसे कृष में भी कितने आर थे या के थे, पठान में भी दो ए है। तो देन इट स्टक मी, आई कैन ज्वाइन द बोथ वर्ड्स एंड आई कैन यूज़ बोथ मीनिंग्स, यू नो। तो उस वजह से, और फिर मैंने जब लोगों को बताना चालू किया, मेरे क्रू एंड प्रोड्यूसर्स को, इंस्टेंटली सबको बहुत पसंद आया टाइटल। सो देन वी लॉक द टाइटल। कहीं ना कहीं निर्भया से भी इंस्पायर्ड है। वैसे तो निर्भया जैसे सैकड़ों केसेस इस देश में हो रहे हैं, करेक्ट। वहां से कुछ आपको लीड मिला इस स्टोरी को करने के लिए? एक्चुअली द जर्म ऑफ द आइडिया वहीं से आई। मैं US में रहता था, मैं जस्ट वापस इंडिया आया था और विद इन फ्यू मंथ्स वो इंसिडेंस हुआ था। और जैसे पूरे देश को शॉक लगा था, मुझे भी बहुत ज़्यादा शॉक लगा था। क्योंकि एक वो मोलेस्टेशन एक अलग बात है, वो सब जो रॉड वॉड के साथ हुआ था, आई कांट इवन ब्रिंग माई सेल्फ टू से। तो मैं सोचने लगा, ये कैसे लोग हैं, ये इनकी सोच क्या है। क्योंकि हमारे जनरली मोस्ट लोगों के जो इर्द गिर्द मेरे फ्रेंड्स हैं, मेन फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, ऐसा तो कोई सोचता भी नहीं है, बिल्कुल यू नो। तो ये एज आई सेड कि मैन ऑल्सो आर पार्ट ऑफ द सेम कल्चर ना, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में कुछ हो रहा है क्या उनके, ये सोच कहाँ से आती है, इतनी घिनौनी सोच। तो वो जर्म ऑफ आइडिया वहाँ से आया। बट मुझे, मैं क्या चाहता था, हमने स्टोरीज देखी है विक्टिम की, मोलेस्टेशन के बाद कितना उनको ट्रॉमा होता है। मैं दिखाना चाहता था स्टोरी कि व्हाट हैपेंस बिफोर द न्यूज़ हेडलाइन हैपेंस। जो न्यूज़ में आता है वो तो कंक्लूजन आता है कि इसके साथ ये हुआ, लेकिन उसके पहले उसके साथ क्या हुआ, ये बंदे कौन हैं, इनका थिंकिंग क्या है, क्यों ये डिसाइड करते हैं किडनैप करने को, कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये पार्ट मैंने एक्सप्लोर किया। और दूसरी दूसरे एंगल में, आई वॉन्टेड टू शो अ एवरी डे रेगुलर गर्ल। आई डिड नॉट वॉन्ट कि ऐसे फिल्मी हीरोइन टाइप नहीं चाहता था मैं चाहता था एक सिंपल, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल, इस तरह की जो घटनाएं हैं देश में हर रोज कहीं ना कहीं घटती हैं, उस फिल्म को शूट करना, उस किरदार को निभाना, मतलब ऐसे अगर आप सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ट्रेलर देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए, अभी भी आप देखें तो खड़े हो गए। सीरियसली, उस किरदार को निभाना कितना मुश्किल होता है, उस पल को जीना। बहुत ज्यादा मेरे लिए, ऑल द मोर बिकॉज मैं एक तो मैं एक वुमन हूँ, सो आई फील इट, एंड डे टू डे ये होता ही रहता है। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वुमन, दिस वॉज लाइफ चेंजिंग। मतलब मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा है ये रोल करना। आई थिंक मैंने बहुत सीखा है इस रोल से।